चलिए सर, तो आपको सीधा ले चलते हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो आप देखिए। पंचायत के लोग परमेश्वर का रूप है, और अगर आप परमेश्वर का रूप वास्तव में है, गांव के लोगों की भलाई चाहते हैं, उनके साथ न्यायप्रियता चाहते हैं, तो आज परमेश्वर का रूप बन के दिखाइए। और तब आप बनेंगे जब गांव को अपील करेंगे, जो गलत काम कोई ना खुद करेंगे ना उनको करने देंगे, तभी हम परमेश्वर कहलाएंगे। इस विषय पर भी हम लोग जरूर ध्यान करेंगे। एक विशेष दृष्टि से मुझे कहना है आपको कि आर्थिक दृष्टि से भी हम लोग बहुत कठिनाई में आज आए हैं, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे देश हो, चाहे और नीचे की इकाइयां हो, क्योंकि जितना प्रदेश का रेवेन्यू है वो प्रायः प्रायः समाप्त हुआ है। कोई काम बाहर चल नहीं रहा है, ना एक्साइज ड्यूटी आ रही है, ना वैट आ रहा है, ना सेल टैक्स आ रहा है, ना स्टैंप ड्यूटी आ रही है। यही सारे स्रोत होते हैं और सरकारों की कमाई के, इसी में से आगे सरकार खर्च करती है। जब ये नहीं होंगे, और केंद्र में भी का भी इस पर बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है, फिर भी हम बहुत सी व्यवस्थाएं आपकी बनाए हुए हैं, बना करके उसके नाते से आगे बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो हम आपको कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। हमने इसके लिए जो बहुत से प्रावधान किए हैं, जो गरीब परिवार हैं, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ऐसी योजना जो पिछले वर्ष से चल रही है, उन सबको जो रजिस्टर्ड लोग हैं, लगभग 12 लाख परिवार हैं, इनको हम एक मुश्त 4,000 रुपया दे रहे हैं। काफी लोगों को पहुंच गया है, बाकी आगे का समय रहते उनको सबको पहुंच जाएगा। ये लगभग 12 लाख परिवारों को सबको पहुंचेगा। ऐसे ही जो हमारे लेबर के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इस नाते से लोग रजिस्टर्ड हैं, 3.5 लाख लोग ये भी हैं, इनको भी 1,000 रुपया प्रति सप्ताह ये हमने देना शुरू कर दिया है। लगभग 3.5 लाख लोगों को ये 1 लाख रुपया ये पहुंच चुका है। फिर हमारे जो बीपीएल के परिवार हैं, बीपीएल के परिवारों को राशन के साथ साथ 1,000 रुपये प्रतिमाह ये भी आज से जाना शुरू हो गया है। एक दिन में, दो दिन में इनको सबको इनके बैंक खातों में ये पैसा भी पहुंच जाएगा। कुछ ऐसे लेबर क्लास के लोग हैं या गांव के अंदर छोटे मोटा काम करने वाले लोग हैं, गरीब किसान होगा, जिनका इन सूचियों में किसी में भी अभी नाम नहीं आया है, शहरों के अंदर रिक्शा चलाने वाले लोग भी हो सकते हैं, ऐसे गरीब लोगों के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन शुरू किया हमने। और उस रजिस्ट्रेशन को आप सीएससी में जाकर के कर सकते हैं, या टेलीफोन नंबर है 1100, वहां भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनके रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनको भी 1,000 रुपए प्रति सप्ताह ये दिया जाएगा। और मैं समझता हूं इस प्रकार के जितने गरीब लोग हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। आज तिथि तक लगभग ऐसे लोगों को 250 करोड़ रुपया ये पहुंचाया जा चुका है। अगले सप्ताह में बाकी बचे लोगों को और भी पहुंचा दिया जाएगा। हम लोगों ने मनरेगा में, जिसकी आय 284 रुपए प्रतिदिन थी, जो प्रधानमंत्री का गरीब कल्याण पैकेज था, उसमें उन्होंने इसकी आय को बढ़ा करके 284 से 309 रुपया कर दिया है। और ये भी पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि अगर मनरेगा के लोगों को कृषि में, कटाई के काम में उपयोग करेंगे, तो ऐसे जो मजदूर हैं उनको भी लाभ होगा और किसान को भी लाभ होगा। मुझे आशा है कि बहुत जल्दी इसकी स्वीकृति ये हमको मिल जाएगी। किसान कल्याण के नाते से बहुत योजनाएं अन्य भी बनाई गई हैं। जैसे हमने विचार किया कि सब्जियां हैं, किसान जो सब्जी बोता है उस सब्जी की बिक्री के लिए भी हमने शहरों के अंदर एफपीओस बनाए हैं, ताकि किसान उन एफपीओस पर जाकर के अपनी सब्जी या सब्जी मंडी में बेचेगा तो उसको उसका पूरा ये लाभ ये मिलेगा। जहां तक दूध की बिक्री का सवाल है, ये शिकायत मिली है हमको कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उन्होंने दूध खरीदने में कुछ या तो उनकी मजबूरी कहें, या उनके यहां भी लेबर की कमी हुई, या उनकी सप्लाई की कमी हुई, तो ये कमी भी हमको दिखाई दी है। हमने कल ही ऐसी सब सरकारी एजेंसियों को जो दूध को खरीदती थी उनको निर्देश दिया है कि गांव में सब लोगों का दूध जो पहले से हम प्रोक्योर करते आए हैं उसकी खरीद लगातार बनाए रखें, ताकि गांव के व्यक्ति की आय ये घटे नहीं। तो इसकी भी पूरी व्यवस्था हम करेंगे कि आपकी दूध की बिक्री ये पूरी की पूरी